हेलो एविबडी एंड वेलकम टू स्कॉलर्स पॉइंट आई एम संजय कदम एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द गाइनोशियम मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव होल ऑफ ए फ्लावर इट इज़ आल्सो कॉल्ड पिस्टिल ओके तो दोस्तों हम आज गायनोशियम और उसका सिंगल मेंबर इंडिविजुअल मेंबर इसको हम कार्पेल बोलते हैं या फिर मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे तो चलिए हम फिगर ड्रॉ करेंगे जिसके थ्रू हमें अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअली डायनोशियम या कार्पेल क्या होता है आउटर मोस्ट पार्ट अपर पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा च कार्पेल और मेगा स्पोरोफिल इज अ सिंगल मेम्बर ऑफ ए गाइनोशियम इथ कंटेंस इसमें क्या होता है तो पहला अपर ऊपर वाला स्ट्रक्चर रिसेप्टिव स्ट्रक्चर इसे स्टिग्मा बोलते हैं उसके बाद स्टिग्मा और ओवरी के बीच में एलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है स्टॉक लाइक -like. इसे स्टाइल कहा जाता है और ये स्टिग्मा हो गया ये बीच वाला स्टाइल एंड द बेसल सोलोन एन लार्ज स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ओवरी तो ये नीचे वाला बड़ा स्ट्रक्चर ओवरी और ओवरी के अंदर आइदर वन और मेनी ओहुल्स आर देयर एंड ओहुल्स आर द फर्टाइल स्ट्रक्चर ऑफ द गाइनोशियम क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन होता है बिकॉज ओहुल कंटेंस एन एग ओके तो अपर रिसेप्टिव पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा एज इट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन हियर पोलन ग्रेन्स आर डिपोजिटेड मेनी पोलन ग्रेन्स वी ड्रॉ हियर वन पोलन ग्रेन ओनली तो एक पोलन ग्रेन बताया है ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल होता है डिपॉजिट होता है और उसके बाद अगर प्रॉपर पोलन ग्रेन है तो वो जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा पोलन ट्यूब यहां से पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू पास होती है और ओहरी के अंदर वॉल ऑफ ओहरी जो बाहरी भाग होता है उसे हम वॉल ऑफ ओहरी बोलते हैं इज कॉल्ड पेरिकार्फ एंड इन बिटवीन पेरिकार्फ वॉल एंड दुल देर इज अ स्पेस और ए चेंबर दैट इज कॉल्ड ओवेरियन चेंबर और इट इज ऑल्सो कॉल्ड लोक्यूल हियर द ओवरी कंटेन्स वन लोक्यूल कॉल्ड मोनो ओवरी एंड मोनो लॉक्यूलर ओवरी में एक ही चेंबर होता है और शायद दूसरी टाइप की जो ओवरी होती है जिसके अंदर ज्यादा चेंबर होते हैं जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये दूसरे टाइप की ओवरी और उसमें चेंबर ज्यादा होते हैं जैसे वन टू थ्री फोर एंड फाइव अभी यहां एक ओहरी के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव चेंबर्स आर देयर तो पांच चेंबर्स है इसे बोलते हैं पेंटा लॉक्युलर ओहरी यूनिलॉक्यूलर ओहरी वन लॉक्यूल वन चेंबर ये मल्टी लॉक्यूलर ओहरी जिसके अंदर पांच है इसलिए हम बोलते हैं पेंटालॉक्युलर ओहरी फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज में हिबिस्कस में पेंटालॉक्यूलर ओहरी होती है जिसमें पांच चेंबर्स है यहां एक ही चेंबर है और ये जो चेंबर होता है ये स्पेस प्रोवाइड करता है किसके लिए पोलन ट्यूब जब हुल के पास पहुंचती है फर्टिलाइजेशन के लिए तो थ्रू दिस स्पेस चेंबर पोलन ट्यूब ग्रोज एंड रीचिंग टू द माइक्रोपाइल ऑफ ए ओहुलॉर फर्टिलाइजेशन पर्पज ओके तो दिस इज अबाउट द स्टिग्मा देन मिडल पोर्शन स्टाइल एंड ए बेसल सोलोन पोर्शन कॉल्ड ओहरी और ओहरी के अंदर स्पेस एक चेंबर है उसे हम लोक्यूल बोलते हैं और अंदर एक ओव्यूल है तो एक चेंबर है मोनोलोक्यूलर एक ओव्यूल है तो उसे यूनिओव्यूलेट बोलते हैं ओव्यूलेट वन ओव्यूल हैविंग कंडीशन द ओवरी हैज ओनली वन ओव्यूल ओके कितने है अंदर एक ही है तो हम क्या बोलेंगे यूनि ओव्यूलेट वन ओव्यूल हैविंग कंडीशन इन द ओवरी फॉर एग्जाम्पल यह ज्यादातर मोनोकॉड्स में होता है एग्जाम्पल मेज व्हीट पैडी मतलब राइस इन जैसे लेग्यूम्स में या फिर मोनोकॉड्स में ओव्यूलेट कंडीशन होती है वन ओव्यूल हैविंग कंडीशन वाइल अभी ये हो गया चाइना रोज की कंडीशन देखे तो चाइना रोज में ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं सेंटर में अरेंज होते हैं तो ये मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन है बहुत सारी जगह ओहरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल रहेंगे तो हम उन्हें ज्यादा ओविल्स है तो उन्हें मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन बोलेंगे तो वन ओवरी कंटेंस मेनी ओवल्स तो हो गया मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन मेनी ओविल हैविंग कंडीशन इन वन ओवरी फॉर एग्जांपल चाइना रोज जिसमें होता है फिर टोमेटो या फिर लेडीफिंगर ब्रिंजल लेडी फिंगर ओके इन दिस वे सच फ्लावर्स हैव मेनी ओव्यूल्स इन देयर वन ओहरी ओके देन इट इज कॉल्ड मल्टी ओवलेट ओके अब यहां हम देख रहे हैं ओहरी के अंदर एक चेंबर है यूनिलॉक्यूलेट कंडीशन और वन ओवल है यूनिओवेट कंडीशन और ओहुल कि ये मेन बॉडी है यहां से लेके यहां तक इसे हम बॉडी बोलते हैं ओहुल की और ओहुल का अपना खुद का एक स्टॉक होता है उसे फ्यूनिक्यूलेट फ्यूनिकल बोलते हैं फ्यूनिकल मीन्स स्टॉक ऑफ द ओहरी सॉरी स्टॉक ऑफ द ओह्यूल ओके तो स्टॉक फ्यूनिकल रेस्टिंग अपॉन अटैच टू प्लासेंटा फॉर गेटिंग नरिशमेंट और प्लासेंटा की वजह से फिर नरिशमेंट थ्रू स्टॉक फ्यूनिकल डेवलपिंग ओहुल के लिए जाता है तो यहाँ वेस्कुलर स्ट्रैंड होते हैं वेस्कुलर एलिमेंट होते हैं इनके थ्रू न्यूट्रिएंट्स पास होते हैं नरिशमेंट पास होता है क्योंकि प्लासेंटा इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू तो इन दिस वे इन बिटवीन वॉल ऑफ द ओवरी एंड फ्यूनिकल देर इज़ अ प्लासेंटा टू विच द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल अटैच ओके तो यह सब हो गया स्टिगमा स्टाइल ओहरी ओहरी के अंदर लोक्यूल एक या ज्यादातर और उसके अंदर एक या ज्यादा ओहल्स तो यूनिओवेट मल्टी ओव्यट कंडीशन या फिर मल्टी ओवलेट कंडीशन ऐसी भी हो सकती है एक ही चेंबर है लेट लेकिन ओव्यूल ज्यादा है वन टू थ्री फोर एंड फाइव देर आर मैनी ओव्यूल्स इनसाइड द ओहरी मल्टी ओवलेट कंडीशन ये टाइप में भी हो सकती है मल्टीपल टाइप्स है उसके अलग अलग अरेंजमेंट होती है जैसे हम अटैचमेंट और अरेन्जमेंट ऑफ ओव्यूल टू प्लसेंटा ऑफ वॉल ऑफ ओवरी इट इज कॉल्ड प्लासेंटेशन जिसे हम प्लैसेंटेशन बोलते हैं ओके okay? तो प्लैसेंटेशन के टाइप्स अलग है वो टॉपिक अलग है हम जब प्लासेंटेशन स्टडी करेंगे तब ये सब स्टडी करेंगे ओके okay? तो अभी आगे दो डेफिनेशन है हमारे सामने दो टर्म्स है वो हम उनको समझ लेंगे एपोकार्पस फ्लावर एंड सिन कार प्लस फ्लावर ओके तो यह हम स्टडी करेंगे वट इज मीन बाय एपो एपो का मतलब होता है फ्री और सिन का मतलब फ्यूज ओके तो सपोज ये दो टाइप के कंडीशन है ये थैलेमस ये पेडी सेल स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पेडी सेल और थैलेमस दैट इज कॉल्ड रिसेप्टेकल ऑल्सो एंड ही कैलिक्स करोला एंड्रोशियम एंड अ गाइनोशियम दिस इज द अपर रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द गाइनोशियम और कार्पेल इज कॉल्ड एज स्टिग्मा ओके तो यहां सिंगल कार्पेल है तो उसे मोनो कार्पेलरी कंडीशन कहते हैं वन कार्पेल इन अ फ्लावर इज कॉल्ड मोनो वन कार्पेल मोनोकार्पिलरी कंडीशन और मोनियोकारपलरी फ्लावर और दूसरी जगह मिनी कार्पेल्स बट वो दो टाइप में होते हैं जैसे फ्री मेनी बट फ्री कार्पेल्स और मेनी बट फ्यूज्ड कार्पेल्स तो ये हो गया जैसे थैलेमस ये रिसेप्टैकल ये पीडी सेल स्टॉक ऑफ द फ्लावर एंड यहां जो कार्पेल्स होते हैं वन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गाइनोशियम कार्पेल वन कार्पेल ये दूसरा कार्पेल ये तीसरा कार्पेल एंड इन दिस वे देर आर मिनी कार्पेल्स ओके इट इज दॉली कार्पेलरी कंडीशन मिनी कार्पेल्स वन फ्लावर बियर्स मेनी कार्पेल्स वन फ्लावर बियर्स वन कार्पेल मोनो कार्पिलरी पोली कार्पिलरी बट ये फ्री कार्पेल्स है तो इसे हम बोलेंगे एपो कार्पस एपो कार्पस फ्लावर एपो का मतलब फ्री सिन का मतलब फ्यूज तो अ फ्लावर विथ मेनी बट फ्री कार्पेल्स लाइक दिस मेनी बट फ्री कार्पेल्स दैट इज कॉल्ड एपो कार्पस फ्लावर And for example, michelia, custard apple, rose. In these plants, flower bear many carpels, but three, three carpels, Apocarpus condition. In case of michelia, custard apple, and rose. Okay. And then in second condition, there is a thalamus means receptacle, a pedicel, and here. The carpels are many but fused. Suppose a ovary, many ovaries, suppose many styles fused here, and then there are free stigmas one stigma, second stigma. थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन दिस वे वन स्टिग्मा देन स्टाइल ओहरी स्टिग्मा स्टाइल ओहोरी इन दिस वे फाइव स्टिग्मा स्टाइल ओहरी मीन्स फाइव कार्पेल्स फॉर्मिंग धिस स्ट्रक्चर फ्यूज स्ट्रक्चर हे आर फ्यूजन ऑफ यूनियन ऑफ मेनी कार्पेल्सॉकर देन इट इज कॉल्ड सिंकार्पस मीन्स कार्पेल्स आर फ्यूज कार्पेल्स आर फ्री मीनी फ्री मिनी फ्यूज तो ये कंडीशन है पॉली कार्पेलरी एंड सिन कार्पस एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड ब्रिंजल हियर Syncarpus flower, a flower with many fused carpels, hibiscus brinjal have a fused carpels. Okay? And their number is variable. Bicarpillary, tricarpillary, tetracarpillary, pentacarpillary, or more. Many carpels, ten or more carpels are there in some flowers. But they may be fused. Then the such then such condition is called as syncarpus. ंडीशन ओके वेयर द कार्पेल्स आर फ्यूज कार्पेल्स आर फ्री ओके तो समझे हम कि एपोकार्पस कंडीशन और सिंकार्पस कंडीशन क्या होती है तो दोस्तों अगर ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपडेट्स मिलने के लिए आप सब्सक्राइब करें थैंक्स जय हिंद